Assalamualaikum, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing well. आप सबको पता है कि ये मुहर्रम चल रहे हैं। Would have to respect. It doesn't matter if you are Shia or Sunni. I am also not Shia, but you know respect करनी चाहिए. So I don't think so कि it's matter आप Shia हो तो या मुहर्रम की respect करो या Sunni हो. So what you know what I mean, what I try to say. According to me, Shia and Sunni, it doesn't matter. We all are human. हम सब का फर्ज है कि मुहर्रम की respect की जाए. के नाते हम सब का फर्ज है कि एक दूसरे की इज्जत की जाए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाए ज्यादा से ज्यादा. सो आज इसीलिए 9th मुहर्रम में यहाँ पे तो हम बांट रहे हैं कुछ कुछ. क्या बांट रहे हैं मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाती हूँ. अभी बिरयानी का ऑर्डर जो है वो हमने बाहर से बनवाई और उसका ऑर्डर दे दिया था हमने कल ही. सो अभी वो पिक करने जाने लेकिन अभी तक पापा नहीं आएंगे. वो आएंगे तो ही आज जो है वो पापा हलवा बनाएंगे लेकिन वो अभी टिकट नहीं आया. हम उन्हीं का ही वेट करने लगता आ गया. आवाज आ रही है जाके देखते हैं तो पापा भी लगता आ गया. दरवाजा खुला ही है. सो अस्सलाम वालेकुम. मेरा फर्स्ट टाइम आज किचन में कुछ बना के हमें देने लगे हैं. मैंने कहा आज आपके हाथों का हलवा खाना है. इनके पापा बहुत अच्छा टेस्टी हलवा बनाते हैं. डाल दे इसके अंदर. अब ये सिलसा सूजी ऐड कर रहे हैं तो जब ये बन जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं. तो ये देखिए जी हमारा अच्छा सा खुशबूदार प्यारा सा हलवा रेडी हो गया है. और ये एक देगची रेडी हो रही है और एक हो गया है. और हमने इसके ऊपर पिस्ता बादाम डाली है. और ये जो बाकी है ना तो वो हम डालेंगे जब हम लोगों को न्याज देने लगेंगे ना तो ये उनके ऊपर डाल के थोड़ा सा ओढ़ देंगे. हमारा दूसरा हलवा भी है जो रेडी हो गया है. सो आज पापा ने काम किया है तो मामा के किचन का हाल चेक करें यार. जब मैं करती हूँ मैं साफ करती हूँ. और इनके डैडी ने देखो कैसा हाल किया. माशाल्लाह हलवा भी तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है और मजे का भी लगे बनी हुई है. और अब ये इनके डैडी जाएंगे नान लेने और बिरयानी लेने. हमने इन सब बॉक्सेस के अंदर जो इन डिब्बियों में डालना है हलवा. तो जब हम डाल लेते हैं तो आपको मैं तब दिखाती हूँ. अभी जो है हमने हाफ डिब्बियों में डाली और अभी वो सारी रहती हैं तो जब ये सारी हो जाएंगी कम्प्लीट में तब दिखाऊंगी. ओके तो एज यू गाइस कैन सी हमने जो है हलवाइन में डाली. अभी हमारे नान और बिरयानी का वेट हो रहा है. वो आते हैं तब मैं आगे व्लॉग बनाऊंगी. इसके अंदर बिरयानी लेकर आ रहे हैं. तो इसके अंदर ये सारी बिरयानी पार्सल बनाने लगे हैं. उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊंगी जब हम फ्री हो जाएंगे. हम कहाँ जा रहे हैं यार बताओ आप. यार आप कहाँ जा रहे हैं. हम अपनी ट्यूशन वाली टीचर के घर पे जा रहे हैं है ना यार. यार की फेवरेट टीचर है. तो उस वक्त मैं और यान जो थे वो घर पे आ गए थे. जो है रात के 12 बज रहे हैं और मेरी शक्ल देख के भी आपको लग रहा होगा कि आई एम सुपर टायर्ड राइट नाउ. तो भी मेरे चाचू जो है वो कुछ लेके गए थे तो मैं आप सबको दिखाती हूँ वो चीज़ क्या थी. मेरे चाचू आए थे न्याज की चीज़ें लेने के लिए. तो उमरा करके आए हैं तो उन्हें उमरा मुबारक को बहुत ज़्यादा. तो वो जमजम लेकर आए हैं हमारे लिए. तो अभी जो है मामा बाहर जा रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लाइक मजलिस वगैरह आते हैं तो वो सब कुछ कैसा होता है. तो लेट मी शो यू गाइस. तो ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर के नीचे से जो मेरी विंडो है वहाँ से अभी कितना ज़्यादा रश है. अभी भी स्टिल लोग आ रहे हैं और अभी रात के 1 बज रहे हैं. तो पापा बढ़ गए थे वो वीडियो बना कर लेकर आए थे तो मैं सोचा कि मैं अपने व्लॉग में दिखाती हूँ आपको. कि तो ये है यहाँ पर मजलिस वगैरह जब होती है तो ये किस तरह का होता है. ये जब सुबह 4 बजे जाएँगे सब और यहाँ पर इसी तरह की मजलिस होती है. तो मैं सोचा कि मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि ओमान में किस तरह से होता है. और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम इट डजंट मैटर वी ऑल आर ह्यूमन. तो हमें हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये देखें गाइस ये इन्होंने देखें बनाया हुआ है. ये उनके बनाए हुए उन्होंने.
लग रहा है? आप फिर क्यों आए हो इधर? आप बाहर चले जाओ।